अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम खान हूँ। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल खान मैन एंड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सिटी में से गुजर रहा था तो बार बार कस्टमर नहीं थे, तो मैं जल्दी से उधर चले गया तो वहाँ पे वीडियो बनाई है। तो ये नहीं है, तो ये थोड़ा सा अभी आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ बार बार क्या हिसाब है। देखिए, जब आप बाल काटते हो तो पहले कोविड से पहले 10 यूरो लेते थे काटने के, और कोविड के बाद अभी इन्होंने 13 यूरो कर दिए। तो ये 13 यूरो चार्ज करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15-20 मिनट ले लेते हैं, और उसमें आपकी आपको इतने पैसे लेते हैं। तो ये मैंने सेटिंग की है, तो इसके बाद मैं इसके साथ में जब वीडियो बनाई है वहाँ पर, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये लोग नॉर्मल वही है वो जिस तरह पाकिस्तान में करते हैं, मगर ये यहाँ की वो करते हैं, इतने पैसे लेते हैं 13 यूरो। और जॉब भी इजी है, हर जॉब नहीं है। अक्सर मैंने देखा कि यहाँ स्टूडेंट आते हैं ख़ानदानी में, वहाँ पे कोई ये काम नहीं करता, मगर यहाँ पे आके ये काम सीख लेते हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं इनको, तो वो ये काम शुरू कर लेते हैं। तो बस वीडियो देखिए और दुआ में याद रखिए। यूज़ बॉटम 3 एंड अ टॉप विद द सीजर, सो डोंट मेक इट टू शॉर्ट। Yeah, that's fine. दूसरे भाई कहाँ है पे? भाई जान? जी? दूसरे भाई कहाँ पे? वो चलेंगे। जल्दी छुट्टी कर लेते? नहीं, आज जरा जल्दी चलेंगे, वैसे भी क्लोजिंग टाइम हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मैं भी लास्ट हेयर कट होगा। हाँ, मैं देख रहा था, मैं उस दिन भी आया था जी। ये अकेले थे भाई जान, 8 बजे के बाद थे। अच्छा। तो मगर मुझे पता है कि 8 बजे पर आप क्लोजिंग होती है आपकी, तो नहीं, हम तकरीबन जो था 7:40 तक जो था कस्टमर लेते हैं, उसके बाद नहीं। सही, ठीक। तो किसी टाइम अगर कस्टमर इकट्ठा आ जाए तो फिर ना नहीं करते, चलो 10-15 मिनट ऊपर लगा देते। सही, ठीक। क्योंकि आप 8 से पहले तो मतलब आप टाइम होता है ना कि किस टाइम लास्ट कस्टमर लेना है जी। नहीं, वैसे भी जो सुबह 9 बजे के आए होते हैं। नहीं, वो जाहिर बात है, मगर आपका लास्ट कस्टमर किस टाइम होता है? लास्ट कस्टमर 7:40 पे। 7:40 पे? हाँ। अगर कोई काम ना हो और 5-10 मिनट पहले आ जाए तो 5-10 मिनट में तो बाल कट जाते हैं ना? 5-10 मिनट तो नहीं लगते, आधा घंटा फिर भी लग जाता है तकरीबन। बाल कटवाने पे? नहीं यार, इतना लग ही जाता है उस तरह। अब आप टाइम नोट कर ले। नहीं, ये लगा हुआ है, पता लग जाए। भाई यूट्यूब पे चढ़ानी है? हाँ, आप लाहौर से हो ना? हाँ जी। और स्टूडेंट हो? नहीं। अच्छा, किस तरह है लाइफ यहाँ पे आपकी? मेरी लाइफ अच्छी है, मतलब हम सब की, मतलब ये इधर लाइफ क्या है, इधर लाइफ यही है, काम काम, बस काम काम। वही ना, स्कूल में होता था मार नहीं प्यार, ठीक है। और इधर काम, सिर्फ काम और सिर्फ काम, बस काम। सुबह हो, रात को घर जाओ, और सुबह उठ के फिर काम पे। ये सिर्फ बोरिंग लाइफ है, बहुत बोरिंग लाइफ है, इतनी कोई एंजॉयमेंट नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इससे ज्यादा पाकिस्तान में लोग एंजॉय कर रहे हैं हमसे ज्यादा। सर, हम इधर रह के, ठीक है, हम उतनी यशी नहीं कर सकते जितनी पाकिस्तान में लोग करते हैं। अगर हम इधर से जाते हैं ना, तो हमें 30 लाख की गाड़ी लेनी होती है, तो हम पहले 10 दफा सोचते हैं कि यार इसकी जरूरत है कि नहीं है।
यार तो लोग उधर लेके उसको यूज करके अगर नए मॉडल का सोच रहे होते भैया ना, हम 100 दफा सोचते हैं जी कि यार कि लेके ना ले, डू वी नीड इट दैट, और वो उधर पता नहीं लोगों के क्या क्या मसला है। हम इधर वो फोन नहीं यूज करते जो उनसे नए मॉडल आते हैं, हम कहते पुराना चल रहा है, ठीक चल रहा है। और इधर आजकल जोन से हर बंदे का जोन सा, इधर हमारी अय्याशी ये है कि हम ना तो कोई कहाँ पे जा सकते हैं, कुछ नहीं है, हमारी अय्याशी ये है कि बस ये अच्छा खाना खा ले। मौसम ठंडा हो रहा है अभी। हाँ जी आज बहुत ठंडा, आज काफी ठंडा। हाँ बस ये नवंबर आज के 6-7 तारीख हो गई है बस। हाँ जी केसेस तो फिर बहुत ज्यादा हो गए। हाँ केस ज्यादा हो रहे हैं पर आईसीयू पे इतना लोड नहीं है, मगर हमारे साथ बेड्स बहुत कम है ना इधर। हाँ बेड्स कम है पर सेल्फ आइसोलेशन पे भी जा रहे हैं। हाँ जो सीरियस होते हैं तो उनको एडमिट करते हैं। जब तक ये इनकी हॉस्पिटैलिटी सही रहेगी ना तब तक नहीं क्लोज होगा। टोटल लो 350 के साथ बेड्स है, 350 नहीं पर ये फिर जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है ना उन्हें हायर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर आता है तो वो बता रहा था अच्छा कि अगर जब
तब सही कोरोना में जब केसेस आई गए थे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके बेड्स हायर कर लिए जाते हैं। अच्छा। और जो उनसे ये होते हैं होटल उन्हें भी जो उनसे हॉस्पिटल ठीक के तौर पे यूज कर दिए जाते हैं। देखिए अभी हमारे साथ 350 वेंटिलेटर्स है ना जी, तो इतने नहीं है जी। तो नहीं, अगर ये चेंजिंग होगी भी ना तो ये होगी दिसंबर के बाद। अच्छा, ये क्रिसमस इस तरह ही निकालेंगे फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। नहीं, अगर यूके देखा जाए तो यूके में एवरी डे 50,000 केस आ रहा है। नहीं वो आए, मगर आप यूके हेल्थ सिस्टम इधर से बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उधर एवरीडे 50,000 आ रहा है, ठीक है। ये क्लोज नहीं करेंगे, ये कुछ चीजें मतलब के पब्स जो उनसे हैं और नाइट क्लब, नाइट क्लब ये क्लोज कर देंगे क्योंकि अब तो पूरी दुनिया खुली हुई है। ये तो तब ट्रेंड चला था कि हर बंदे ने, हर मुल्क ने लॉकडाउन किया, कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसने लॉकडाउन नहीं किया। सही। और मजबूरी भी थी, अब तो मेरे ख्याल में 90% लोग वैक्सीनेटेड है। अभी इन द गिवन 95 से भी ऊपर है। हाँ। अभी तो बूस्टर भी शुरू कर दिया। मुझे तो बूस्टर नहीं लग गया ना। आपको क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 महीने के लिए ये वैलिड है। हमें, हम सबको वैक्सीनेशन तब लगी थी जब ये 55-45 एज से स्टार्ट हुए थे। आपको कब लगा है? जून में? ये अब याद नहीं, बहरहाल मैसेज आ जाता बूस्टर का। अच्छा अच्छा, आपको बूस्टर भी लग गया? जी, मुझे नहीं आया है। फर्स्ट डोज जो उसी को लग गई है, जिसे नहीं आया वो कांटेक्ट करे तो वो काउंट करके तो उसी टाइम बता देते हैं कि नहीं। बूस्टर तो एक ही होता है, उसमें तो डबल डोज नहीं हुआ है। उसमें डबल, उसमें भी डबल डोज, उसमें भी डबल डोज है। अच्छा। और उसके साथ जो उनका मुझे ये परसों जो उनका फ्लू वैक्सीनेशन भी लगी, फ्लू वैक्सीनेशन जो उनकी वो काफी इम्पोर्टेंट है। आप लगाते हो फ्लू वाली? शॉप पे मैंने तो आज तक नहीं लगी। वो है उसमें, वो ठीक नहीं है। नहीं, मैं मुझे इस साल पहली दफा लगी है। अच्छा, नहीं वो ठीक नहीं है, वो मैं नहीं लगा था। मुझे पता नहीं, मैं जीपी के पास गया था, उसने साथ में वैक्सीनेशन नहीं, ये मौलवी से पूछ रहे थे ना पहले किसी से, उसमें वो ये मेखा पे कोई वो यूज करते हैं जो भी है, खिंजीर का कुछ है उसमें। अच्छा, नहीं मुझे नहीं। ये खैर मालूमात कर लो। अच्छा। लोग लगाते हैं ये, नहीं यहाँ पे नहीं, और लोग ज्यादा मुसलमान लगाते हैं। हाँ। मगर ठीक नहीं है, मैंने नहीं लगाया आज तक। अच्छा। नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं था, उसने कहा कि फ्लू वैक्सीनेशन जो उनकी आई तो मैं लगेंगी, मैंने कहा ठीक है। नहीं मैं तो बहुत सफा लोगों ने कहा कि लगा लो, मैंने कहा ठीक नहीं है, नहीं लगा था। बस हर बंदे का अपनी एक वो है ना। मैंने कहा यार जो भी हो जाए मैंने नहीं करना ये चीज़। मैंने वैसे कभी किसी से सुना भी नहीं, और मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं इस चीज़ का, इसलिए मैंने आपको कहा कि पूछ लो ना, शायद मैं मुझे गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है। चले कोई डॉक्टर आएगा उससे जरूर, डॉक्टर से पूछ लो, मौलवी से पूछ लो ना, डॉक्टर को छोड़ो, मौलवियों को पता होता है लोग जाते हैं, डॉक्टर को उसका फार्मूला तो पता होगा। नहीं यही कह रहा हूँ ना, मौलवियों को ये जाते हैं ना केसेस जाते हैं, उनको पता है कि इसमें क्या लगता है, तो आप जाओ मौलवी आपको स्ट्रेट अवे बोल देगा कि ठीक है कि नहीं ठीक। फार्मूला एक ही है, फार्मूले उसका एक ही है, सारे एक ही है, अलग नहीं है, इसलिए कहता हूँ जो मुझे खबर आई है तो मौलवियों से है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मगर बहुत लोग लगाते हैं, यानी बहुत पाकिस्तानी लगाते हैं। मेरे तो फर्स्ट टाइम जोन की लगी है इस साल। इतने लोग नहीं है उसमें।
अराउंड 230 तकरीबन है, 230 सिर्फ, 1000 नहीं है। मेरे जाने पाकिस्तान का प्रोग्राम है ना, तो शायद मैं वापस ना आऊँ, शायद नहीं, कंफर्म है तकरीबन, क्योंकि भाई की हालत थोड़ी सी ख़राब है, तो थोड़ी देर बाद तो आएंगे। नहीं शायद ना आऊँ, बस परमानेंट, तकरीबन परमानेंट है, पता नहीं चलता कल क्या होता है, मगर जो माइंड बनाया है ना, तो वो ये कल का पता नहीं है किसी को। तो अब जाने में कितने दिन लगेंगे वो पता नहीं है, शायद आजकल तो टिकट भी काफी बन गई है। हां मैं फिर मैंने उसका परवाह नहीं करना है, जब जाने है तो फिर हां जब जाना क्या क्या टिकट हो क्या हो गया। जैसे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया तो मैंने कहा जाके देख लो कि यार क्या हिसाब है। अच्छा, मैंने कहा अगर कस्टमर होंगे तो फिर मैं चले जाऊंगा, अगर नहीं होंगे चलो बाल छोटे करा दूंगा। आप तो टैक्सी जाते हैं जी, क्योंकि मेरे को जाया था fine. Drive a little bit, it's too cold, you get sick. Just drive for you a little bit. I'm okay, that's fine. You know? I'm okay. You get sick. Whatever you want to do to me. No problem. Thank you. In the meantime, to check the head is the proper as well. Because I'm just going straight home and taking shower, that's fine, you know? Okay, thank you, bro. Brother, you don't do fire. You don't do fire. No. Perfect, perfecto. Thank you, brother. Thank you very much. Okay. Yeah, 13. Thank you. Okay, जी ये भाई बाल काट लिए, जबरदस्त इस बार, बहुत जबरदस्त। ओके भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जिंदगी में मुलाकात होगी। ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।